कोरोना महामारी के इस संकट काल में ड्रग डिपार्टमेंट लगातार कालाबाजारियों पर नकेल कसने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में आज गुरुग्राम के जिला औषधि निरीक्षक अमनदीप चौहान ने सूत्रों की सूचना पर पटौदी क्षेत्र के गांव पहाड़ी में रेड कर करीब 4000 लीटर सैनिटाइजर बरामद किया, जो कि अवैध रूप से बनाया जा रहा था। अमनदीप चौहान के अनुसार इस सैनिटाइजर को बनाने के लिए कोई भी किसी तरह का लाइसेंस नहीं लिया गया था। गुप्त सूचना मिली थी कि इस गांव में सैनिटाइजर बनाकर बेचा जा रहा है और यह गोरखधंधा करीब एक महीने से चल रहा था। लाखों रुपए का सैनिटाइजर अब तक आरोपी बेच चुके थे। फिलहाल विभाग की ओर से दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इससे पहले भी ड्रग विभाग की टीम इस तरह के कालाबाजारियों पर रेड कर चुकी है। ड्रग विभाग के अधिकारियों ने साफ निर्देश दिया कि किसी भी कीमत पर कोरोना काल में दवाइयां या सैनिटाइजर, मास्क और इससे जुड़ी चीज़ों के कालाबाजारियों को बख्शा नहीं जाएगा। आज जो है कहाँ रेड मारी और क्या इन्फॉर्मेशन आपको? आज एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी हमारे सेक्टर 40 CIA में कि एक हैंड सैनिटाइजर बनाया जा रहा है झुंड सराय एरिया में। जब हमने उसकी बोतल को वेरीफाई किया तो हमें पता चला उसके ऊपर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नहीं लिखा हुआ था। तुरंत प्रभाव से अशोक मीणा जी, जो कमिश्नर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी नॉलेज में, उनके संज्ञान में ये मामला लाया गया। उन्होंने तुरंत एक टीम का गठन करा जिसमें CIA 40 से राजेश जी है हमारे ASI, परमवीर है हमारे हेड कांस्टेबल और अन्य स्टाफ के साथ हमने झुंडसराय जाके चेक किया तो वहाँ पर कोई फैक्ट्री ना थी। वहाँ से हमने, हमारे जो सूत्र हैं CIA सेक्टर 40 के, उन्होंने अपने इंटेलिजेंस से पता किया कि ये फैक्ट्री कहाँ चल रही है, तो पता चला कि पहाड़ी गांव के अंदर ये कार्य चल किया जा रहा है और सैनिटाइजर बन रहा है। हमने पहाड़ी गांव आके जब रेड किया तो हमें भारी मात्रा में यहाँ पे हैंड सैनिटाइजर बनाते हुए मिले। जो इनके डायरेक्टर हैं, दो डायरेक्टर हैं, एक मिस्टर संदीप हैं जो रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर हैं, वो भी मौके पर मिल गए। ये दो भाई हैं जो जेडार इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड करके और कुछ फर्जी दस्तावेजों के आधार के ऊपर ये हैंड सैनिटाइजर बना रहे थे और पब्लिक को वही जो नकली दस्तावेज है उनको दिखा के गुमराह करके ये माल को बेचा जा रहा था। तकरीबन करीब 3,500 से 4,000 लीटर हैंड सैनिटाइजर यहाँ पे बना हुआ मिला और जो कच्चा माल मिला वो भी काफी मात्रा के अंदर कच्चा माल प्राप्त हुआ। अभी हमने उसकी लिस्ट इनसे ली है कि इन्होंने कितना माल बेचा है, तो तकरीबन इनके हिसाब से 18 लाख रुपए का माल बेच चुके हैं जिसकी मार्केट वैल्यू जो इन्होंने बेचा है वो इनका मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है। अगर उसी की मार्केट वैल्यू लें तो तकरीबन करीब 35 से 40 लाख रुपए का माल ये बेच चुके हैं। सर कितने दिन से ये काम कर रहे थे? तकरीबन एक महीने से इन्होंने ये काम शुरू कर रखा था और बना रहे थे बिना लाइसेंस के।